दिल्ली दंगे के केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार किया है। उमर खालिद पर दंगा भड़काने, दंगे की साजिश करने, लोगों को उकसाने और भड़काऊ भाषण देने के गंभीर आरोप लगे हैं। एफआईआर में दर्ज आरोपों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के वक्त उमर खालिद ने लोगों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाया। यूएपीए एक्ट के तहत उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप का कार्यकर्ता उमर खालिद जेएनयू का पूर्व छात्र है। आज उमर खालिद की कोर्ट में पेशी है और दिल्ली पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इस मामले में उमर खालिद की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करा ली जाए। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त लाइव आ गए हैं दिल्ली से इसी पर और बात करने के लिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता आरपी सिंह और हमारे साथ हैं तस्लीम रहमानी जो कि एसडीपीआई के नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है। आपसे बात करें उसके पहले फटाफट एक कमेंट हिमांशु, कितने पुख्ता सबूत दिल्ली पुलिस के पास हैं इस मामले में उमर खालिद की जो गिरफ्तारी यूएपीए एक्ट के तहत हुई है? देखिए 6 मार्च को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी क्राइम ब्रांच ने, और जो उसमें जो जानकारी सोर्सेस के जरिए हमें मिली है उसमें ये लिखा था कि मुखबिर के जरिए पुलिस को पता लगा था कि उमर खालिद अपने सहयोगियों के साथ, दो अलग अलग संगठन के जो सहयोगी हैं वो लोग मिल करके स्पेसिफिक, जब अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान आएंगे 24 फरवरी और 25 फरवरी को, तो उस दौरान कुछ ऐसा करना है कि उनकी आवाज़ इंटरनेशनल लेवल पर सुनी जाए। और जो उसके बाद जो पुलिस ने उसमें आगे इन्वेस्टिगेट किया है कि 17 फरवरी को एक स्पीच थी जो अमरावती में थी, जहां पर ये कहा गया था कि बच्चे महिलाएं आए सड़क पे रास्ता रोके, और उसके बाद जब जो कुछ जाफराबाद में हुआ जहां से ये नॉर्थ ईस्ट दंगों की शुरुआत हुई, तो पुलिस ने इस पूरे चीज़ों को सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को जोड़ा है। उसके बाद जो तमाम अब तक गिरफ्तारी हुई है, इस पूरे जो 751 एफआईआर अभी तक दिल्ली दंगों से जुड़ी हो चुकी है, 250 चार्जशीट दाखिल दिल्ली पुलिस कर चुकी है, तो इस पूरे मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके जो अलग अलग बयान हुए हैं उसमें 3 अलग अलग चार्जशीट में उमर खालिद का नाम आया था। मेन साजिशकर्ता के तौर पर पुलिस ने बार बार उसका नाम लिया है, कहा है कि जो साजिश रची गई थी, जो टाइमिंग फिक्स की गई थी और जो मीटिंग्स हो रही थी जिनमें खालिद सैफी, जो आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद जो ताहिर हुसैन, इन सब की जो मीटिंग हुई थी तो उसमें उमर खालिद हर जगह मौजूद रहता था। इसके लिए मोबाइल फोन सीज किया गया था, क्योंकि दूसरी बार जब पूछताछ हुई थी उमर खालिद की 31 जुलाई को, तो उस दौरान इसका मोबाइल फोन सीज कर लिया गया था, और उसकी पूरी मूवमेंट कहां कहां वो कब रहा, किन किन लोगों से मुलाकात की, क्या कोई मैसेज डिलीट किया गया है, ये सारी चीजें निकाली गई हैं। और उसके बाद तीसरे राउंड की जो पूछताछ हुई थी 11 घंटे की रविवार के दिन, उसके बाद गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कोर्ट में पेश कर दिया गया है। ठीक, वापस आते हैं हिमांशु आपके पास। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी भी लाइव आ गए हमारे साथ, इस वक्त मुंबई में है लेकिन जिस वक्त दिल्ली में हिंसा हुई लगातार पूरे घटनाक्रम पर अरविंद ओझा नजर रखे हुए थे, उसे कवर कर रहे थे। लेकिन तस्लीम रहमानी, सबसे बड़ी बात यह कि कोई आदमी वैसे सामाजिक कार्यकर्ता होता है, वैसे बुद्धिजीवी होता है, वैसे छात्र नेता होता है, लेकिन जैसे ही पुलिस पकड़ लेती है किसी मामले में तो मुसलमान हो जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, ऐसा किए जाने की कोई जरूरत तो होनी नहीं चाहिए कि कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसा कहा जा रहा था यही कह रहे हैं बचाव में सब लोग कि मुसलमान है इसलिए ऐसा कर दिया गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो NTCA मूवमेंट इस मुल्क में चला, एक्चुअली ये दिल्ली दंगे का मामला है ही नहीं, इसको NTCA मूवमेंट के खिलाफ जो गवर्नमेंट की अपनी एक थ्योरी है, एक पॉलिसी है, उसके तहत दिल्ली दंगे को डील करने की कोशिश सरकार और सरकार की पुलिस कर रही है। एक्चुअली जो NTCA मूवमेंट है उसने सरकार को परेशान किया कि पूरे मुल्क में CA के खिलाफ लोग खड़े हुए बगैर किसी धर्म की परवाह किए कर हुए, बहुत बड़ी तादाद में लोग 2,500 जगहों पे इकट्ठे हुए, जिसके वजह से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। रहमानी साहब, 60 दिन तक आप दिल्ली में सड़क कब्जा के बैठे रहे, तो अगर सरकार को कार्रवाई करनी रहती NTCA ये प्रोटेस्ट पर, तो फिर वही डंडा चल जाता। देखिए अभी किसान आप दंगे को NTCA प्रोटेस्ट के साथ जोड़ रहे हैं और खुद ही जोड़ रहे हैं। पार्लियामेंट का मार्च करने के लिए किसान आ रहे हैं पूरे मुल्क से, वो रोड घेरते हुए आएंगे ना, यहाँ पर करोड़ों लोग जो है वो मूव कर रहे थे रोड घेरते हुए। आपने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया कि NTCA प्रोटेस्ट का हिस्सा ही था दिल्ली दंगा,
आपने खुद ही कह दी वो बात नहीं अभी। था, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार उसको बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार पहले दिन से एंटी सीए के मूवमेंट को डीमोरलाइज करने के लिए और डिफेम करने के लिए दिल्ली दंगे को बीजेपी के लोगों ने मास्टरमाइंड किया। अगर वही लोग एग्जीक्यूट जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ भी दिखेंगे, वही लोग पिंजरा तोड़ वालों के साथ भी दिखेंगे, वही लोग सैफी के साथ भी दिखेंगे, ताहिर हुसैन के साथ भी दिखेंगे, तो फिर सवाल तो उठेगा ना कि क्या ये पूरा नेक्सस एक ही था। मैं ये कह रहा हूं कि ये नेक्सस नहीं है, ये ग्रुप है, ये डेमोक्रेटिक ग्रुप्स हैं जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और सीए के खिलाफ आज भी है सबके सब लोग। सर, लेकिन सरकार को थोड़ा ये सा पीछे ले जाता हूं, इसलिए इससे पहले मैं आरपी सिंह के पास का नाम लेके उसको बदनाम कर रही है। रहमानी साहब, आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, जेएनयू में पाकिस्तान के नारे लगते हैं तो उमर खालिद का नाम आ जाता है, कहीं भीमा कोरेगांव में हिंसा होती है तो उमर खालिद का नाम आ जाता है, दिल्ली में दंगा होता है तो उमर खालिद का नाम आ जाता है। सर, अगर एक ही आदमी का नाम बार बार आता है, हर दंगे में आता है, हर जगह जहां जहां कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है वहां आता है, तो आप हर बार बचाने के लिए खड़े होंगे या बोलेंगे कि इसकी जांच होने दीजिए, सामने आने दीजिए सच में? खाली उमर खालिद तो तन्हा नहीं है ना इस मामले में, अभी तो सीताराम येचुरी भी है, योगेंद्र यादव भी है। सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव आरोपी नहीं बनाए गए, आप बना रहे हैं उनको आरोपी। आप देखिए एफआईआर में किस तरीके से जो एक सर चार्जशीट में जिक्र आया, आपको बैठ के परसों क्लियर भी किया हमने यही चैनल पर, बहस हुई जब पुलिस को आजादी है कभी भी उनको आरोपी बनाने की नाम तो डाल ही दिया है। ये तो बहुत ही एक सेट प्रिंसिपल है उसूल के पहले नाम डालिए उसके बाद आरोपी बनाइए। तो इस तरीके से मैंने इसीलिए कहा कि एंटी सीए मूवमेंट को आप दिल्ली दंगों से जब जोड़ते हैं तो इंटेंशंस क्लियर होती हैं गवर्नमेंट की कि वो पॉलिटिकल वेंडेटा के मतलब के एंटी सीए मूवमेंट के नाम पे कोई ये कहे दिल्ली दंगे सारे सड़क पे उतर आओ, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप आएगा 24 तारीख को, डोनाल्ड ट्रंप को आप ये बताओ कि हमें इस देश की सरकार पसंद नहीं है, हमें इस देश की नीतियां उसके तौर तरीके पसंद नहीं है, हम एनआरसी हटाएंगे, हम एनपीआर हटाएंगे और फिर एक दिन ये सरकार भी हटा देंगे और 24 को दंगा हो जाए, जबकि वो चार दिन पहले कह चुका हो कि 24 को आप लोग आना, तो उससे पूछा भी ना जाए कि भाई तुमने 20 को जो 24 का जिक्र किया था क्या ये बात उससे जुड़ती है कि नहीं, क्योंकि पूछेंगे तो आप कह देंगे कि हाँ फंसा रहे हैं। चार्जशीट जब क्रॉस एग्जामिन होगी कोर्ट में तब ये बात मालूम होगी कि ये इल्जाम सही है या गलत है। लेकिन अभी तो इल्जाम की बात होगी ना सर, आप तो जांच नहीं होने देना चाहते, आप तो कह रहे हैं कि जांच गलत है। हम तो चाहते हैं कि जांच हो, हम तो चाहते हैं जांच हो और जांच में सब लोग इंक्लूड हो, सब लोग मतलब आपसे जांच कराएं। क्या वजह है कि जिनका आपसे जांच कराएं या उमर खालिद को थानेदार बना दे जांच? आप उमर खालिद को ट्राई कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उमर खालिद को ट्राई कीजिए, मुझे प्रॉब्लम यह है कि आप कपिल मिश्रा को क्यों ट्राई नहीं करना चाहते? वो अगर जेन्युइन है तो वो भी अपना पक्ष रखे, ये बात तकलीफ क्या है? Okay. उंगली उठाई गई है, अगर उमर खालिद पे उंगली उठाई गई है आपको तो उमर खालिद की गिरफ्तारी से आपत्ति नहीं है, आपको कपिल मिश्रा के ऊपर कोई चार्जशीट ना होने से आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति है, ये बात okay. सही है। आरपी सिंह, क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए कपिल मिश्रा बच रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आरपी सिंह आपको? शायद आरपी सिंह तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, आरपी सिंह कनेक्ट हो तब तक अरविंद मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, आप लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे थे अरविंद ओझा उस वक्त। तस्लीम रहमानी का कहना है कि उमर खालिद पर कार्रवाई हो ठीक है, लेकिन कपिल मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो दिल्ली पुलिस ने जब केस बिल्ड किया है उसमें कपिल मिश्रा कैसे बचते हैं? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि दरअसल इसको लेकर कपिल मिश्रा पर जब सवाल उठ रहे थे तो उसके बाद हाई कोर्ट में भी कुछ पीआईएल दाखिल हुई थी और कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हुई। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बकायदा एफिडेविट दाखिल करके ये जवाब दिया कि कपिल मिश्रा का तमाम जो वीडियो फुटेज है वो देखा गया और सीआरपीसी के अंतर्गत ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो बकायदा इसको लेकर अदालत में एफिडेविट दाखिल की गई और अदालत ने कई बार जो पीआईएल दाखिल किया गया था उसको खारिज भी किया था, नंबर एक। अब मैं आपको रोहित बताता हूं कि दरअसल उमर खालिद की मुश्किलें इस मामले में बढ़ेंगी कैसे। देखिए, स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस के पास ताहिर हुसैन की गवाही है, उसके अलावा खालिद सफी की गवाही है। दिल्ली दंगों के ठीक पहले जनवरी के महीने में शाहीन बाग में एक मीटिंग हुई जिसमें उमर खालिद, ताहिर हुसैन और खालिद सैफी, ये तीन लोग मौजूद थे। बकायदा कॉल डिटेल भी एस्टैब्लिश की गई है क्राइम ब्रांच की तरफ से कि ये तीनों की लोकेशन एक जगह थी। उसमें उमर खालिद बकायदा मीटिंग में कहते हैं कि हमें
डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले कुछ करना है, उसमें अयोध्या का जिक्र भी होता है, उसमें जम्मू कश्मीर का भी जिक्र होता है, यहां तक कि उस मीटिंग में यह भी कहा जाता है कि आपको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से धन मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर ये जो बयान है, बाकी पिंजरा तोड़ के जो तमाम सदस्य पकड़े गए उनके बयान है, इस वजह से उमर खालिद पर शिकंजा कसा गया। और साथ ही साथ आपने जिस वीडियो का जिक्र तो किया, कपिल मिश्रा को क्लीन चिट और उमर खालिद के लिए 10 दिन की कस्टडी दिल्ली पुलिस ने मांगी है स्पेशल सेल ने, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई चल रही है। आरपी सिंह, तस्लीम रहमानी कह रहे हैं उमर खालिद पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन कपिल मिश्रा को क्लीन चिट क्यों? इसलिए वो कह रहे हैं राजनीतिक जांच लगती है। जी धन्यवाद रोहित। तस्लीम साहब, ये बता दीजिए आप एसटीपीआई का हिस्सा है या नहीं है, अभी इतना बता दीजिए पहले। है, यकीनन यकीनन है ना? सुनिए सर, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। अब एसटीपीआई जिसकी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीएफआई जिसके सदस्य हैं खालिद साहब, जो कि 1,10,00,000 इन्होंने दिया इस दंगे के अंदर गतिविधि करने के लिए। अब आप तो उनके, अरे सुनिए, आपने बोला, मैंने बोला, आपसे सर मैंने एक प्रश्न पूछा था, आप पूरी बात का जवाब दीजिएगा। अब सुन लीजिए, जिस संगठन को ये कहने में यकीनन हूं और मैं प्राउडली हूं, उस संगठन का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसने दंगा कराने के लिए 1,10,00,000 रुपए दिया खालिद साहब के थ्रू, और जिसमें उमर खालिद और ताहिर हुसैन इन्वॉल्व थे, तो ये तो उसको डिफेंड करेंगे करेंगे, ये क्यों डिफेंड करेंगे? ये तो दूसरा, ये अपनी बात नहीं बता रहे कि इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों पैसे दिए दंगा कराने के लिए, इनके जिसका ये पॉलिटिकल विंग है उन्होंने क्यों पैसे दिए। क्या है कि ये सारे आरोप अभी राजनीतिक गलियारों में है, टीवी की बहस में है, अदालत में जब ये चीजें सामने आएंगी तो सबूतों के बिना पर, सबूतों के आधार पर इनको साबित करना होगा। क्या जांच एजेंसी साबित कर पाएगी? फिलहाल 10 दिन की कस्टडी उमर खालिद के लिए दिल्ली की पुलिस ने मांगी है, देखने की बात होगी, अदालत क्या कहती है इस पर लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।